स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। पेज नंबर 6 पे चैप्टर के आगे का अपन कंटिन्यू करेंगे। तो वहाँ आ गया था आपका एक्सरसाइज आपको हम पीडीएफ के थ्रू समझा देंगे या भेज देंगे। अब हम आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, नेमली अ सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। ये हमने आपको पहले बताया कि सेंटेंस जो होता है वो दो भागों से बनता है। जो वो दो भाग होते हैं वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहलाते हैं इंग्लिश में। अब सब्जेक्ट क्या है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। वो सेंटेंस का मेन पार्ट होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन या किसने ये सेंटेंस कहा है या किसके लिए कहा गया है। और प्रेडिकेट क्या होता है? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वो सेंटेंस का वो भाग होता है जो कि हमें सब्जेक्ट की खूबियाँ या उसकी बेरुखियों के बारे में बताता है, यानी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो प्रेडिकेट कहलाते हैं। एग्जाम्पल, द इंडियन टीम। अब द इंडियन टीम ये हो गया सब्जेक्ट और वॉन द टूर्नामेंट ये हो गया प्रेडिकेट। द इंडियन टीम इज़ अ सब्जेक्ट सिंस इट टेल्स अस व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। अब द इंडियन टीम को सब्जेक्ट कहा गया है क्योंकि उसी से ही हमको पता चल रहा है कि सेंटेंस किस बारे में है। द प्रेडिकेट इज वॉन द टूर्नामेंट सिंस इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब बाकी का द प्रेडिकेट हम उसको कहते हैं क्योंकि वॉन द टूर्नामेंट। अब वॉन द टूर्नामेंट तो क्या, किस में टूर्नामेंट जीता है? तो इंडियन टीम ने, इसीलिए वो सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा है, इसलिए वो प्रेडिकेट कहलाएगा। अब रीड दिस सेंटेंसेस। कुछ और सेंटेंसेस दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, वो हम देखेंगे। अब ये है सब्जेक्ट का कॉलम एंड ये है प्रेडिकेट का कॉलम। तो फर्स्ट वाला अपन देखेंगे तो इसमें एक एक ही वर्ड है। देखिए, सब्जेक्ट भी एक वर्ड का है एंड प्रेडिकेट भी एक ही वर्ड का है, बेबीज़ क्राई। तो इसका मीनिंग तो बन रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा मीनिंग। सेकंड वाला है द लाइट्स आर ऑन। तो ये छोटा सा सेंटेंस, द लाइट्स हो गया सब्जेक्ट, आर ऑन यानी लाइट चालू है। तीसरा, द इंडियन टीम वॉन द मैच। अब देखिए इस तरह से यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन और उसके बाद चार, यानी एक एक वर्ड से भी हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट बना सकते हैं, दो से भी, तीन से भी और इस तरह कई सारे वर्ड्स के ग्रुप से भी हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिवाइड कर सकते हैं। अब फोर्थ वाला, माई फादर्स बेस्ट फ्रेंड। तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, गेव हिम अ प्रेजेंट ये हो गया प्रेडिकेट। So these are the examples. Four examples are given. One word can be subject and predicate. Two can be, three can be, and more than three words also it can be subject and predicate. अब हम आगे बढ़ते हैं। As we can see, the subject may consist of one word as in sentence one or many words in the sentence four. Similarly, the predicate may consist of one word as in sentence one or many words in sentence three. The words cry, are, won and gave are verbs. अब हमने पहले ही देख लिया, ये चारों एग्जाम्पल में हमने देखा कि एक वर्ड से भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बन रहा है और ग्रुप ऑफ यानी ज़्यादा वर्ड से भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बन रहा है। अब उसमें क्या है, हर सेंटेंस में वर्ब तो होना ज़रूरी है। वर्ब मीन्स इन हिंदी वी से क्रिया, क्रिया यानी काम। तो हर सेंटेंस में हमको कुछ ना कुछ काम होने का अनुभव मिलता है, उसी को ही हम बोलते हैं वर्ब्स। जैसे क्राई, आर, वॉन एंड गो आर ए वर्ब्स, ये सब हो गए वर्ब्स। अ वर्ब इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड इज ए पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। अब वर्ब जो होता है वो सेंटेंस का मेन पार्ट होता है और ज़रूरी चीज़ होती है, एंड इज़ अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। और वो नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस जो है प्रेडिकेट बनाने के लिए अधूरा रह जाएगा। उसके बाद में एक्सेप्शंस दिया है तो ये आप लोग पढ़ लेंगे। इसमें भी एग्जांपल्स ही शो किए गए हैं, एग्जांपल्स पढ़ पढ़ के आप देखेंगे तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा।